हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपके क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम पढ़ने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में ये पता चलेगा कि आप लोग कैसे कैसे बैठ सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं बैठने के। अभी तक आप लोग सोच रहते होंगे कि बस झुक के आराम से बैठ गए, ऐसा नहीं। बैठने के भी कई तरीके होते हैं, उसके अंदर भी कई तरीके होते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता चलेगी तो आपके पास नए नए तरीके होंगे बैठने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा बैठने के तरीके जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिए। इसके अलावा ये तो सारी बात, ये मजाक की बातें हो गई, एक्चुअली में इसका यूज क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा जो भी वीडियोस अभी तक की बनी है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर आज तक की जितनी वीडियोस हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है जिसको प्लेलिस्ट करके मैंने लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लिंक में मैंने क्लिंक करा दिया, तो एक नया वर्ड हम लोगों ने बनाया है जिसको हम लोग बोलेंगे क्लिंक, मतलब कि लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो नीचे जाइए, आप क्लिंक करिए, वहां से प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। इसी तरह से हर बार आप अगर आपको कुछ भी ढूंढना है तो नीचे दिए गए चीज पे क्लिंक कर दीजिएगा, आप वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे बैठने के तरीके। सबसे पहला तरीका हमारा बैठने का होता है सिंगल रो, यानी कि लीनियर अरेंजमेंट। एक सीधी स्लैंड डाल दी गई स्कूल की बेंच, कहने लगे रामू सामू टामू नामू जामू, इतने लोग थे, सारे लोग बैठ गए ना। हालांकि मेरा नाम भी सानू है तो हम भी इसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। तो किसी का नाम सामू जामू है बुरा ना मानना है ना, क्योंकि आजकल भाई ट्रोल करने वाले बड़े लोग रहते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंगल रो अरेंजमेंट। मान लीजिए बोला गया कि नहीं नहीं बच्चे ज्यादा हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, डबल रो बना दीजिए। फिर यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अरे रमेश सुरेश दिनेश, एस लगा के जितने नाम बनने वो बना दिया आपने, ठीक। तो ये आपके रो अरेंजमेंट हो जाते हैं। सिंगल रो पहली वाली रो थी, डबल रो दो रो हो जाए, तो दो रो होने के साथ साथ यहाँ पे देखिए पैरेलल भी तो हो गए दोनों दूसरे के, तो ये तरीका हो गया दो हमारे। थर्ड हमारा होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर, जैसे ये सीट गायब हो गई, ठीक है, आप पहुंचे बड़े कॉलेज में, सीना तान के आप पहुंचते बड़े कॉलेज में, लेकिन वहां क्या होता है आप देखते हैं कि बेंच वगैरह कुछ पड़ी ही नहीं, आप बैठे कहाँ पे। तो आपसे बोला गया आज बैठना नहीं, आज होगा आपका लोग को वाइवा। वाइवा सब लोग जानते होंगे, ठीक। तो क्या होता है वायदम, क्या होता है यहाँ पे आपको बैठा जाता है कि बैठो आज मुर्गा कटेगा। तो आप अकेले बैठे हैं यहाँ पे ना, आराम से बैठे। तो यहाँ पे तो आपके बैठने का एक ही तरीका है, बैठ गए। लेकिन फिर आपके पास यहाँ से एक टीचर, 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 यहाँ से एक, यहाँ से सर एक एक क्वेश्चन दगाएंगे, एकदम ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बना देंगे आपका कि ठक्कर से लड़ेगा इधर से, आप इधर से समझोगे पीछे से फिर ठक्कर से लड़ेगा। तो आप समझ लीजिए उस दिन ऐसा लगता है कि हमला हो रहा, मतलब पाकिस्तान वगैरह पहुंच गए। तो चलो पाकिस्तान वगैरह नहीं बोलना है। तो यहाँ पर आप क्या समझ पाए कि सर्कुलर अरेंजमेंट भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी ऐसे बन सकता है, डाइनिंग टेबल का ऑप्शन दिया था, और इसी तरह से ट्रायंगल का भी ऑप्शन होता है। इस तरीके से आप तीन अरेंजमेंट इस तरह के होते हैं, बाकी दो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये पांच होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते होंगे पर हमारे सबसे बेसिक तरीके यही होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। हमारी बुक में जो कुछ पब्लिकेशन है उनमें ट्रायंगल नहीं गिवन है, तो आप ट्रायंगल पढ़ लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं आएगा, क्या पता, क्योंकि अभी तक स्टैंडर्ड बुक तो नहीं आई है, वो पता नहीं चलता है अपने इंडिया में क्या हो, कुछ पता तो चलता नहीं है ना। तो बुक आए ना भरोसा है नहीं, तो किसी सहारे रखना नहीं है। सहारे हो तो कम से कम एक एडवांस लेवल लेके चलना कि अगर कुछ चीज़ें उसमें नहीं है वो भी समझ लेना है ना। मैं बताता रहूँगा, आपको चिंता नहीं करना। तो देखिए सिंगल रो में क्या हो सकता है कि एक लाइन हो, सारे बंदे नॉर्थ देख रहे हो, पांच लोग हैं, पांचों लोग नॉर्थ देख रहे हैं। हो सकता है एक लाइन हो, सारे बंदे नॉर्थ देख रहे हो, है ना, हो सकता है सारे बंदे नॉर्थ देख रहे हो सकता है सारे बंदे साउथ देख रहे हो सकता है कि आपको डायरेक्टली डायरेक्शन ना दे, अनसर्टेन कर दे कि एक बंदा शायद नॉर्थ देख रहा है, एक शायद साउथ देख रहा है, फिर एक नॉर्थ एक साउथ, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अनसर्टेन का। डबल रो अरेंजमेंट में सेम यही चीज होगा, पर वहां पे क्या हो जाता है जब दो लाइनें हो जाती है तो इस तरीके से हो जाता है। जनरल जो तरीका होता है पूछने का मैं आपको बता देता हूँ। दो लाइनें होती हैं, वो बोलेगा कि दो रो हैं, ठीक है, और दोनों आपस में फेस कर रहे हैं। फेस करने का मतलब क्या है, पांच पांच लोग हैं दोनों रो पे, बता देगा नाम, बता देगा आपको, आपने पांच ऐसे लोग बैठा दिए। अब ए बी सी डी करके नाम बताएगा वो अलग बात है, पांच ऐसे चेयर पड़ गए। फेस
फेस कर रहा, तो जाहिर सी बात है ये इधर देख रहा होगा, ये इधर देख रहा होगा, तभी तो फेस कर रहे हैं। फेस करना मतलब एक दूसरे के सामने देखना, एक ही तरीका होता है। हो सकता है ये बोलते कि पांचों लोग एक दूसरे से आगे देख रहे हैं, तो वो भी बाहर देखेगा, 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 और वो भी बाहर देखेगा, सब लोग इधर देख रहे होंगे। तो फेसिंग इनसाइड भी हो, यहाँ इनसाइड नहीं, फेसिंग ईच अदर और फेस अवे, अवे टू फेस, दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। जबकि सर्कुलर में क्या हो सकता है कि एक गोला बनेगा, सब लोग अंदर देख रहे हो, चार लोग हैं, सारे लोग अंदर देख रहे हैं, हो सकता है सब लोग बाहर देख रहे हो, और हो सकता कि कोई अंदर देख रहा हो, कोई बाहर देख रहा हो, कुछ पता नहीं। इसी तरह से रेक्टेंगल में भी ऑप्शन रहता है, रेक्टेंगल में क्या कहेगा, सारे लोग अंदर देख रहे हैं, तो आपने कहा ठीक है, अंदर 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 अंदर, सब लोग कह रहे हो अंदर कर दिया आपने। इसी तरह से उसका मूड घूम गया, उसने कहा नहीं 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 सारे लोग बाहर देख रहे हैं, तो आपने कहा भी अच्छा ठीक है ऐसा बना देंगे हम बाहर। ये तो सिंपल वाला आ गया, पर अगर उसका मूड घूम गया तो वो तब भी मूड घूम गया अभी तब भी क्या कर लेगा, वो कहेगा कि जितने भी लोग कॉर्नर पे हो बाहर देखे, कॉर्नर कितने हैं चार, तो ये बाहर देखेगा, ये बाहर देखेगा, ये बाहर देखेगा, बाकी उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो अंदर देख रहे हैं, अंदर मतलब मिडल वाले, इनको मिड बोलते हैं, मान गया। हो सकता है इसका जस्ट अपोजिट कर दे कि कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं, मिडल वाले बाहर देख रहे हैं, वही लिखा है कि सारे इनसाइड हो सकते हैं, सारे आउटसाइड हो सकते हैं, कॉर्नर वाले इनसाइड हो सकते हैं, मिड वाले आउटसाइड हो सकते हैं, या इसका उल्टा, कॉर्नर वाले आउटसाइड हो जाए, मिड वाले इनसाइड देखने लगे, या अनसर्टेन हो जाए कि कोई भी अंदर देख रहा, ये अंदर देख रहा, ये अंदर देख रहा, ये बाहर देख रहा, तो कुछ भी बनाने को पता नहीं। तो इतने अरेंजमेंट होते हैं, अगर आपको इतने अरेंजमेंट में बनाना आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं आता है तो आपकी दिक्कत जो है वो मेरी दिक्कत है, वो दिक्कत मैं खत्म करूंगा, पानी पी लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल रो। आज की वीडियो को बहुत लंबी नहीं करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा था काफी लंबा, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल, डबल, और अगली वीडियो में पढ़ेंगे सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ठीक है, तो मिटाता हूँ मैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ बताने वाला नहीं, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें बताने वाली होंगी वो क्वेश्चन के टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, चिंता करने कोई आवश्यकता नहीं है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन काफी लंबा है, फिर आपको बताता हूँ। तो ये था भारी भरकम क्वेश्चन, क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर काफ़ी छोटा होगा इसका। देखिए इसमें करना क्या चाहता हूँ लोगों को कि कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, एक तो बेस प्लॉट दे देंगे, उसके बाद कुछ कंडीशंस गिवन होंगी और फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर आपने इस समझ लीजिए जैसे पजल होती है, पजल को सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद कोई कुछ भी पूछे कि ई के ऊपर क्या है, डी के नीचे क्या है, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। बट पजल सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है, उसके लिए यहाँ पे कुछ चीजें हिंट करी जाती हैं, जैसे कि सबसे पहली बात बोलेगा कि देयर आर आठ हाउसेस, एट हाउसेस इन अ लाइन, मतलब कि सिंगल रो अरेंजमेंट, मैंने पहले बोला था वही क्वेश्चन है वन बॉय इन ईच हाउस, मतलब कि आठ, एक लाइन में आठ घर हैं और सब में एक एक बच्चा लड़का मौजूद है। ठीक है, अब हर घर में एक एक लड़का मौजूद है ये तो बताएगा, पर लड़के का नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके आठ तक जाना है। ठीक, अब उनमें से हमको उन आठों घरों को, घर का नाम हमारा ए मान लो, या उनके घर में अंदर जो बच्चे हैं उनका ए मान लो, बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं,
इन कंडीशंस की मदद से हमको पता करना है कि वो आठ जो घर हैं, जैसे मान लीजिए पहले घर का नाम ए है, तो वो कहाँ पर है, बीच में कितने नंबर पे, ये सारी बातें हमको समझनी है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक, मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं आप, कि अगर बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, हालांकि इंट्रोडक्शन लेवल है तो मुझे पता है टफ नहीं है, पर आपको ये पता नहीं होगा कि ये मतलब टफ है या नहीं। जब आप क्वेश्चन देखेंगे आपको देख कर पता चलेगा, नहीं मैंने सॉल्व करा तो मुझे पता है कि इजी। तो आपको सबसे पहले समझना क्या चीज़ है कि अगर सिंगल रो अरेंजमेंट है तो सबसे पहले आप एक सिंगल लाइन ऐसे खींच लीजिए। अब सिंगल रो अरेंजमेंट में कभी भी आपको नॉर्थ या साउथ नहीं बताएगा, ठीक है, बताने को बता सकता है, वो बोलते सारे साउथ में सारे नॉर्थ में, ठीक, पर जब तक कि यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं बता रहा है तो आप मान लोगे कि सारे एक तरफ कहीं भी देख रहे हैं। क्योंकि सिंपल सोच के देखिए, कॉमन सेंस की बात, अगर एक लाइन में घर है तो सबका गेट इधर है, तो जनरली सबका गेट इधर ही होता है, ये थोड़ी ना कि कोई कहीं पे भी गेट बना लेगा। तो ये आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि सारे बंदे एक ही तरफ देख रहे हैं। तो हम लोग अपनी सहूलियत के लिए क्या मानते हैं कि देखिए हमारा राइट क्या है, अगर आप जिधर से वीडियो देख रहे हो तो आपके राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो हम मानते हैं कि सारे उस तरफ देख रहे होंगे, मतलब कि सारे घर इस तरफ होंगे। तो अगर राइट पूछेगा इसका राइट यही तो आएगा, तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल चीज हो गई कि इधर देख रहा है, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये एक घर हो गया, आठ घर है, एक ये हो गया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सबसे पहले तो ये बेस होता है, ठीक है। आठ ऐसे आप घर बना लीजिए, कैसे भी बना सकते हैं आप, पर सबसे बेसिक तरीका ये होता है, आप यही तरीका फॉलो करेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। ये हो गया आपका बेसिक चीज। उसके बाद बोला गया कि अब हिंट पे आ जाइए, आठ लोग हैं आठ घर में, तो पता होगा, पर अब घर का नाम या बच्चों का नाम क्या है वो यहाँ पर पता चलेगा। ए इज नॉट नेबर ऑफ बी, तो यहाँ पे आप चाहिए तो उसको लिख लीजिए मन में याद रखने के लिए कि ए, और कैसे कराया था, देखिए ए और बी एक साथ नहीं है, ए और बी नेबर, नेबर मतलब क्या है, दूसरे पड़ोसी नहीं है, तो ए इधर हो चाहे बी इधर हो, पड़ोसी तो कराएंगे, तो ए और बी एक साथ नहीं मिलने चाहिए आपको, ठीक है। बी इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, इसका मतलब एक्सट्रीम राइट, राइट में सबसे किनारे पे है, तो यहां से राइट हमने बताया था आपको इधर होता है, तो बी कहाँ पे होगा, यही तो होगा, सिंपल बात है। अब देखिए यहां पर ए नहीं हो सकता, क्योंकि बोला था बी के साथ ए नहीं होगा, उधर तो कुछ है ही नहीं, इधर यहाँ पर ए नहीं हो सकता, इतना आपको याद रखना है। अगली उस पे आ जाइए आप, सी इज जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ डी, मतलब कि लेफ्ट ऑफ डी के जस्ट में सी है, जस्ट सी मतलब जैसे मान लीजिए डी यहाँ है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट हमेशा इधर होगा, और जस्ट लेफ्ट मतलब बिना किसी गैप के तुरंत सी बैठा हुआ है, तो सी डी याद रखिए इस फॉर्म में आपको मिलने चाहिए, कहीं पर भी मिले सी के बाद तुरंत डी होना चाहिए, या डी के तुरंत पहले सी होना चाहिए, कैसे भी कहीं होना, ठीक है। जैसे ही आपने ये चीज लिखी तुरंत ही आपको एक चीज और गिवन हो गई कि देयर इज ओनली वन टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब कि डी के लेफ्ट में देर इज ओनली वन, मतलब कि डी के लेफ्ट में सिर्फ एक बंदा है, और डी के लेफ्ट में उससे पहले इन्होंने बताया कि डी लेफ्ट में सी है। तो आप बताइए अगर डी यहाँ मान लें, बी तो यहाँ फिक्स हो गया, डी यहाँ मान लें, तो डी के लेफ्ट में कितने बच्चे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, गड़बड़ हो जाएगा। डी के लेफ्ट में सिर्फ एक कब बचेगा, जब डी यहाँ पर मान लोगे आप। अब डी के राइट में तो कई है पर लेफ्ट में तो एक ही है, और डी के लेफ्ट में कौन होना चाहिए, सी। तो आपका ये वाला जो गिवन चीज थी इसको हटा दीजिए, टेंशन खत्म करते चलते हैं, है ना। ये हो गया, हम लोगों ने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब ई लिप्स, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। ए ई लिप्स वन ऑफ द टू मिडल हाउसेस, मतलब कि बोल रहा है कि ई जो है वो बीच के दो घरों में से एक में रहता है। बीच के दो घर का मतलब क्या है, कितने घर हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब आठ में कोई बीच वाला तो होता नहीं है, तो क्या बोला उन्होंने कि तीन इधर से निकाल दो, तीन इधर निकाल दो, बीच के जो दो बच रहे हैं इन्हीं में से किसी में एक में ई है, तो हम मान लेते हैं हो सकता है इसमें हो, ठीक है, हो सकता इसमें हो। तो यहां से एक बात आपके और पता चली कि आपको ये जो मैंने दो ऊपर नीचे निकाले थे, चाहता तो मैं ये ना निकालता, मतलब ये जो ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे ना बना के मैं चाहता तो सिंपल ऐसे बना देता, पर मैंने ऐसे इसलिए बनाया कि अगर आपको कहीं पर
अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पता नहीं चल रहा कि बी के इधर है कि बी के इधर है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक इधर बना सकते हैं एक इधर बना सकते हैं, और दोनों के हिसाब से काम करेंगे हम लोग, है ना। तो अभी देखिए क्या हो गया हमारा, सी तो फिक्स है, डी फिक्स है, बी फिक्स है, इतना तो फिक्स ही है हमारा। तो एक यहाँ पर भी ई होने का चांस है, एक यहाँ पर भी ई होने का चांस। अभी आगे की जब नोटिस हमको मिलेगी, स्कीम पता चलेगी हमको, तो पता चल जाएगी कौन वाली लाइन हमारी गलत होने वाली। तो जो भी पॉसिबिलिटीज होगी आपको साथ में लेकर चलना होगा, अगर आप किसी भी एक पॉसिबिलिटी को छोड़ेंगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। 50% चांस रहेगा कि आपका गलत हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 50% चांस होता है गलत होने का, है ना। ये हो गया हमारा कि ई बीच में किसी में एक हो सकता है। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड डी, मतलब उसने क्या बोला, एफ इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर मतलब साथ में है, एफ इमीडिएट नेबर पड़ोसी है ई एंड डी का, जैसे मान लीजिए हम हैं, तो मेरे पड़ोसी इधर भी होंगे इधर भी होंगे, तो एफ है मतलब मैं हूँ इनका भी पड़ोसी इनका भी पड़ोसी, यानी कि वो दोनों बंदे हमारे जस्ट इधर और इधर होने चाहिए। अब कौन किधर है वो नहीं पता, पर हम दोनों के बीच ही में तो रहेंगे, इतना तो कन्फर्म है। तो किसके बीच में है, एफ इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड डी, यानी एफ बीच में है ई और डी के, उल्टा भी हो सकता है, एफ बीच में है ई और डी के, बीच में होना चाहिए, क्या पता कौन किधर है ना। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, अभी हम लोग देखते हैं क्या बनेगा हमारा। तो सही से हम लोग देखेंगे अब ई और डी के बीच में एफ कहाँ आ रहा है, ई और डी एक ही चांस है, यहाँ बना देंगे ई और डी, क्या बोला था, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड डी, इमीडिएट का मतलब होता है जस्ट नेबर है, बीच में कोई और नहीं हो सकता। तो अगर एफ यहाँ बना लेंगे, सोचिए एफ अगर यहाँ बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जस्ट बगल में डी, जस्ट बगल में ई नहीं आ पाया, गड़बड़ हो जाएगा। अगर एफ यहाँ मान लेंगे तो जस्ट बगल में ई, पर जस्ट बगल में जो डी था वो नहीं आ पाएगा, इसका मतलब जो ऊपर वाला ई वाला हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, यानी जो नीचे बनेगा वही सही बन के आएगा, ये आपने कर लिया। बाकी तीन सदस्य भी और बैठे हुए हैं, ठीक है। इसने क्या बोला था कि बी के साथ ए नहीं रहेगा, तो ए यहाँ तो रहेगा नहीं, अब बचे यही दोनों, तो ए रहेंगे, ये भी याद रखिए आप। एफ इज इमीडिएट नेबर ये हमने कर लिया, बोला ओनली वन लिव्स टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में सिर्फ एक बंदा है, जी के राइट में सिर्फ एक बंदा है, यानी जी यही तो होगा उसके राइट में सिर्फ एक बंदा है, सिंपल सी बात। अगर जी यहाँ मतलब ये तो फिक्स हो गया, जी यहाँ होता तो राइट में एक दो तीन, जी यहाँ तो एक दो, जी यहाँ तब राइट में एक, फिक्स हो गया उसका। ए अभी भी इन्हीं दोनों में से कहीं होगा हमको नहीं पता। ए इज नॉट इन बिटवीन एच एंड डी, ए एच और डी के बीच में नहीं है। तो देखिए अगर ए यहाँ बना देंगे, ए अगर यहाँ बना देते मान लीजिए, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच तो यही बनेगा, मतलब हमारा ऐसा हो जाएगा एच एंड ए। और उसने अभी अभी बोला है कि ए हमारा कहाँ गया, एच और डी के बीच में नहीं होना चाहिए, ए एच और डी के बीच में तो है, इसका मतलब ए यहाँ पे नहीं होगा, कन्फर्म है, यही तो जगह पहली बची थी, वो यहाँ हो नहीं सकता, तो ए यहाँ हो जाएगा, जैसे ए यहाँ बनाएंगे एच यहाँ बन जाएगा। तो उसने क्या बोला था कि ए इज नॉट इन बिटवीन एच एंड डी, तो ए देखिए एच और डी के बिटवीन में नहीं है, बाहर है, और बी के साथ भी नहीं, जो कि यहाँ कंडीशन थी। तो जितनी भी कंडीशन थी मैंने सारी रख दी, और आपको यहाँ पे देखिए सारे बच्चे कौन से घर में कौन बच्चा है या किस घर का नाम क्या है, उनमें कौन बच्चे है, सब आपको पता चल गया। अब इतना पता चलने के बाद क्वेश्चन होते हैं, हु लिव्स इन इन वन ऑफ दी रहेगा ना, इन वन ऑफ दी टू मिडल हाउसेस अलोंग विद ई, कहाँ, यहाँ पे एक बात बोली गई थी ना कि ई दो मिडल हाउसेस में से किसी एक में रहता है, तो उसके अलावा एक मिडल हाउस और बचा होगा तो उसमें कौन रहता है, ये पूछा गया। तो तीन इधर से निकाल दीजिए, एक दो तीन, एक दो तीन, तो ई के साथ कौन रह रहा है मिडल हाउसेस में, एच। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। मैं होमवर्क में आपको दूंगा, आप प्रैक्टिस करिए इस पर बस, बाकी मेरा बताने वाला कुछ नहीं इसमें बचा। वॉट इज द पोजिशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू सी, तो पोजिशन ले क्वेश्चन में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि किसको देखे किसके रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहली बात है पोजिशन ऑफ ई पूछा गया, तो पहले ई पे जाइए आप, किसकी तुलना में, सी की तुलना में, तो अब सी से तुलना करो, सी के कितने में कहाँ पर है ई, राइट में, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, ध्यान रखिएगा
सी के जस्ट बाद, एक दो तीन थर्ड राइट में। तो पोजीशन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, यहाँ पे लिख देंगे आप थर्ड राइट, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स बिटवीन एच एंड डी, एच ये रहा डी ये रहा, कहाँ गया एच ये रहा डी ये रहा, दो मेंबर बीच में है, तो आप सिंपली यहाँ लिख दीजिए देर आर टू मेंबर्स, आपका आंसर यहाँ पे टू मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हो गया सिंगल रो पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं डबल रो का, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाए। डबल रो में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ जाएंगी, पर उससे फायदा क्या हो जाएगा कि हमारा सिंगल रो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है हम वहां पर उसको यूज करेंगे, तो सिंगल रो की भी प्रैक्टिस साथ साथ में हो जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा डबल हेडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम लगा उतना सॉल्व करने में नहीं लगता है। तो इसमें क्या करना है हमको कि पहली बार तो दो रो होंगी, जिसमें से रो वन जो हमारी होगी वो साउथ देख रही होगी और रो टू हमारी नॉर्थ देख रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये दोनों रो एक दूसरे को देख रही होंगी, फेस कर रही होंगी, या एक दूसरे से अवे देख रही होंगी, ये बात पता करनी है हमको। ये बात पता करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये होता है, सीधे सीधे बताया जाएगा आपको कि रो आर फेसिंग ईच अदर और अवे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टू पैरेलल रोज, पैरेलल है ठीक है, 12 लोग हैं और 6-6 करके बैठे हुए, 6 पी क्यू आर एस टी यू वी साउथ में है, रो वन साउथ देख रही है, 6 लोग ये हैं जो कि नॉर्थ में देख रहे हैं और फेसिंग ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता देंगे कि दोनों सब लोग आपस में फेस कर रहे हैं ना। बाकी सारी डिटेल दी गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख के बहुत डरावना लगता है पर सॉल्व करने में डरावना नहीं होगा। बट इसमें मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाया हूँ क्योंकि जगह नहीं बची थी, तो अभी जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फिर मैं क्वेश्चन देखूंगा क्या पूछे गए थे, उस हिसाब से हम लोग उसका आंसर देंगे। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, और बेसिक हमारा क्या था कि पहले पता कर लेंगे फेस कर रहा नहीं कर रहा, तो फेस कर रहा है, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींचने की जरूरत लाइन खींच देते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, ये 6 लोग हो गए जो आपस में फेस कर रहे हैं। अब रो वन और रो टू किसको मानेंगे, क्या बोला इसने कि रो वन आपकी साउथ देख रही है, साउथ क्या होता है, सामने वाला जो होता है वो नॉर्थ होता है, हमारे पीछे वाला है साउथ, तो हमारे पीछे वाला हमारी तरफ कौन देख रहा है, पीछे की तरफ ये वाले देख रहे हैं, तो ये हमारी हो गई साउथ, साउथ हो गई ये वाली, साउथ हो गई हमारी ये वाली, और यही हमारी रो वन है और यही हमारी साउथ है, ये बच्ची फिर हमारी दूसरी वाली, ये सामने देख रहा है, देखिए एरो उधर का है इधर देख रहा है, ये हमारी रो टू हो गई, ये हमारे नॉर्थ देख रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए साउथ और नॉर्थ, ये सब चीजों में डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल चीजें होती है, रट लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट, बी सिट, बी बैठती है सेकंड, बैठती है बैठता है पता भी नहीं चलती, बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हु फेसेस एस, मतलब कि पहली बात तो क्या है कि पहले पता कर लीजिए जो बी वाला बंदा है वो इस पे बैठेगा कि इस पे बैठेगा, रो वन में बी वाले नहीं है, बी क्यू आर एस टी वाले, तो ए बी से लेके एफ तक की बात करी जाएगी तो ये वाले में हम लोग बैठाएंगे, ठीक है, इन वाले में। तो देखिए क्या बोला गया कि बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट, देखिए लेफ्ट तो इधर ही होता है ना, लेफ्ट में ये है, लेफ्ट में ये खुद है और सेकंड में है, तो सेकंड फर्स्ट यहां पर कोई बंदा होगा उसी से सेकंड लेफ्ट में है ये, क्योंकि ये लोग इधर देख रहे हैं ना ऐसे है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ
फेसेस एस, जिस जो एस को देख रहा है, यानी एस हमारा इधर की ओर देख रहा और ये इधर की ओर देख रहा, यानी बी के मतलब जिसके लेफ्ट में बी है सेकंड लेफ्ट में, वो एस को देख रहा है। तो सिंपली ऐसे बना देते हैं, कंफ्यूजन नहीं करते हैं, एस इसके सामने है, ठीक है। अभी इससे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो इसको हमने बना के छोड़ दिया। ए सिट्स सेकंड टू द सेकंड, सॉरी ए सिट्स वन ऑफ द एंड एंड फेसेस पी। ए हमारा एक एंड पे है, ए भी नीचे ही होगा, ए वाला हमारा कौन सा है, नॉर्थ वाला है ना। ए सिट वन ऑफ द एंड मतलब ए या फिर यहां होगा या फिर यहां होगा, एंड मतलब किनारे पे बैठा हुआ है ना। एंड फेसेस पी, एंड फेसेस पी जो कि पी को फेस कर रहा है डायरेक्टली, उसने बता दिया है फेसेस पी। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। देखिए ये लोग देख रहे हैं इधर, तो हमारा जो राइट होता है वो इन लोगों के लिए लेफ्ट होता है। अब हमारा क्या बोला गया है कि फेसेस पी, पी जो है वो सेकंड लेफ्ट में है एस के। तो अगर हमारा लेफ्ट ये वाला है तो इनका लेफ्ट इधर बढ़ने पे होगा, यानी कि पी लेफ्ट में है, उस पार है किसके, एस के। तो एस इधर होगा तभी तो दो, एक गैप छोड़ के पी आएगा, यानी कि एस डैश पी। अब सही से दोबारा से पढ़ लेते हैं। ए सिट्स वन ऑफ द एंड्स, ए एंड पे है कोई दिक्कत नहीं, एंड फेसेस पी वो भी कोई दिक्कत नहीं, पी, पी के बाद बोला गया हु, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में। देखिए अगर एरो पे ध्यान दीजिए आप, तो एस के हमारे हिसाब से सामने से देखा जाए तो एस के सेकंड राइट में है पी, पर ये एरो उल्टा है, ये पीछे की ओर देख रहे हैं, तो हमारा जो राइट है वो इनके लिए लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा सेटिंग बैठ गई। अब इन्होंने साफ साफ बोला कि ए एक एंड पे बैठा हुआ है, तो ए के दो ही चांसेस थे, या फिर यहाँ बैठे या फिर यहाँ नीचे वाले में, यहाँ पर यहाँ पर। अब देखिए अगर ए बैठ जाता है यहाँ पर, अगर ए यहाँ बैठ जाएगा तो पी यहाँ हो जाएगा, पी के इधर को आ नहीं पाएगा, जबकि पी के इधर दो लोग हैं, इसका मतलब ए सीधे सीधे यहाँ बैठेगा, क्योंकि दो ही एंड हो सकते हैं, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ए के सामने को पी को कर दीजिए, पी के गैप पे एस को कर दीजिए, और एस से हमारा सामने वाला कोई भी हो, यहाँ वाला कोई भी हो, पर एक गैप पर ये देखिए बी भी मिल गया हमको। तो इतनी चीजें हमको मिल गई, कैसे करा हम लोगों ने, ए के सामने पी था रख दिया, पी के एक गैप पर एस था रख दिया, एस के जस्ट नीचे इधर आ जाइए आप, एक गैप पर बी मिल जाएगा। तो इतनी बातें आपको पता चल गई, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह क्लीन रहे और आप कंफ्यूज ना हो और मैं भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बोर्ड पे करने में आधी बातें दिखती ही नहीं, इतना क्लोज होता है। ये हो गया, हम लोगों ने ये पॉइंट कर लिया, ये पॉइंट कर लिया, और इतने ही पॉइंट से हमको इतना सारी चीजें मिल गई। बी डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, बी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, जो कि नहीं है, सही बात, ये भी पॉइंट मान लीजिए हो गया। F is not immediate neighbor, NBR लिखा neighbor है, ठीक है, F is not immediate neighbor of A and B, यानी F हमारा A और B के बीच में ऐसा नहीं दिखना चाहिए, A और B के बीच में F नहीं होना चाहिए, ये याद रखना आपको, ठीक है। ये हो गया, R faces B, R faces B, तो B के सामने R हो जाएगा, सिंपल सी बात। C sits fourth to the right of E. So C नीचे वाले में, तो हमारा सिंपल राइट लेफ्ट के साथ देंगे, राइट के E के फोर्थ राइट में C है, तो E एक दो तीन चौथा, चौथा कौन सा हमारा C, यानी E के तीन गैप पे C है, ऐसे है इधर भी वो देख रहा। तो अभी हमको पता नहीं है कैसे बनेगा, देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच लोग हैं, ठीक। अब सही से देखिएगा, अगर ई यहां होगा, ठीक है, ये नीचे ही बारे में बात करेगी, ई यहां होगा तो एक दो तीन, एक दो तीन, बचा सिर्फ सी, ठीक। ई यहां हो नहीं सकता, अगर मान लीजिए होता भी तो देखिए एक दो तीन चार लोग होने चाहिए इधर, एक दो तीन चार, पर यहां फंस गया ना मैटर की ई और ए फिक्स हो चुका है, और भी तो ई यहां हो सकता था, यहां हो सकता था, यहाँ पर आपका पहले से एक उपाय है, तो ई यहाँ हो पाएगा, और ई के तीन गैप पे सी है, एक दो तीन सी, ये मिल गया आपको। इतनी बातें आपको अपने मन से मिलती हुई चली गई, ठीक है। फिर उसने क्या बोला था,
ए और बी के बीच में एफ नहीं है, इमीडिएट नेबर बोला था ना, एफ इज, हाँ याद है, रखिएगा, ए और बी के बीच में एफ हो सकता है पर इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे वैसे भी इमीडिएट नेबर नहीं होगा क्योंकि तो अगर एफ यहाँ पर हुआ तो बी तो इमीडिएट है पर ए दूर है, अगर एफ यहाँ पर हुआ तो दोनों दूर दूर हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीदर सी नॉर ई, ना ही ई फेसेस टी, मतलब इसके सामने टी नहीं होना चाहिए, इसके सामने टी नहीं होना चाहिए, दोनों के केस में टी आपको सामने नहीं दिखना चाहिए, क्रॉस करने का मतलब वो चीज नहीं होनी चाहिए, और टी किसी भी एक्सट्रीम एंड पर भी नहीं है, टी आपको किसी भी एंड पर भी नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर भी क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको दो चीज़ें पता चल चुकी हैं कि सी और ई टी के सामने नहीं है, अगर टी इंड पर नहीं है, टी यहाँ नहीं है तो टी यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, यहाँ टी हो नहीं सकता क्योंकि सी यहाँ पर है, सी के सामने टी होगा नहीं, बचा सिर्फ यहाँ पर टी, टू सी हमारा टी और टी सी भी हो गया हमारा। देखिए क्या हम बताया था मैंने कि टी जो है आपका इंड पे नहीं होना चाहिए, तो टी यहाँ पे नहीं हो सकता था, यहाँ तो पहली जगह खाली नहीं है, तो टी कहाँ कहाँ हो सकता था, यहाँ पर, यहाँ पर, और टी के सामने सी नहीं है तो पक्का सी हो जाता, तो ये गलत हो जाता, तो टी सिर्फ यहीं बचा हमारा, और टी ई के सामने भी नहीं, तो हमारी ये बात भी सही हो गई, टी इंड पे भी नहीं, ये भी सही हो गई और ये भी बात सही हो गई। अभी इसका हमको कंफर्म नहीं पता है, ठीक है, इतना हो गया हमारा, ऊपर का बचा हमारा। दूसरी बात बोल रहा है कि टू पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर बट नन ऑफ देम ऑन एक्सट्रीम एंड, टू पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर, अच्छा आर यहां पे तो सिंपल यू यहां हो जाएगा, टू पर्सन बीच में हो गए और आर और यू दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो ये भी हमको पता चल गया। दूसरी बात, अब देखिए पी क्यू आर एस टी यू यू होता था, पी हो गया, क्यू बचा खाली, क्यू यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि एफ हमारा किसी से भी सटा नहीं होना चाहिए, ए से भी नहीं सटा होना चाहिए, बी से भी नहीं सटा होना चाहिए, इमीडिएट नेबर नहीं है ना। हाँ यहाँ पे एक बात मैंने ये थोड़ी सी गड़बड़ बता दी, जो ये वाला पॉइंट था ध्यान से रखिए, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, मतलब एफ ना ही ए के साथ है, एफ ना ही बी के साथ है, इसका ये मतलब निकलेगा, ठीक है। तो एफ अगर यहाँ कर देंगे तो बी के साथ हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे बी के साथ हो जाएगा, तो एफ हमारा पक्का से यहाँ पे आ जाएगा, बचा ए बी सी डी। इस तरह से आप देखिए सारे सदस्यों को आराम से बैठा सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ ना हो, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, ये पूछा सकता है कि बताइए कि टी हमारा पी से किस पोजीशन पे है, तो आप क्या बताएंगे, टी इज फोर्थ राइट ऑफ दी, फोर्थ नहीं थर्ड राइट, देखिए 1 2 3, टी इज थर्ड टू दी राइट ऑफ पी, ऐसा हो सकता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन है, तो एक्सट्रीम एंड पे ऑप्शन दे देगा कि ये है कि ये है कि ये, एक गलत ऑप्शन दे देगा या एक सही ऑप्शन दे देगा, बाकी गलत दे देंगे, वो टिक लगा दीजिए, तो कुछ भी पूछ सकता है कि डी को बताइए कौन फेस कर रहा है, ई के डायगनली अपोजिट कौन है, तो अपोजिट तो क्यू है पर डायगनली अपोजिट पी हो जाता है, ए के डायगनली अपोजिट क्यू हो सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो, पहली वीडियो थी सिटिंग अरेंजमेंट पे, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें आपको खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं कितना भी बता दूं मैं रटा नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि बी के राइट में एक बंदा है बनाया जा सकता है तो बना दीजिए, अगर आपको लग रहा है बी के राइट में तीन बंदे हैं हम नहीं बना सकते तो तीन बंदे की अलग अलग पॉसिबिलिटी लीजिए, आगे जाके वो पॉसिबिलिटी खत्म होती रहेंगी, जैसे जैसे आगे कंडीशन बढ़ेंगे तो आपको एक सॉलिड स्ट्रक्चर मिल जाएगा लास्ट में। तो पर करना हमको क्या है कि प्रैक्टिस करनी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ साफ हो जाएगा इन चीजों में और आप उससे गलतियां होना कम हो जाएंगी, पर इसमें मतलब पेशेंटली करना पड़ता है, ये नहीं कि आपने कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इसको हम लोग यूज कहाँ पे होता है इन चीज़ों का, इसका यूज जब बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, जितने भी बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा ही जाता है 100%, SSC वगैरह में मुझे कन्फर्म नहीं पता पर उनमें भी इन तरह चीज़ें पूछी जाती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है,
पर अभी इस चैप्टर को मैथमेटिकल रीजनिंग में नहीं डाला गया है, कोई बात नहीं, पर ये एक्चुअल में रीजनिंग का ही पार्ट होती है। जो आप लोग देखते होंगे कि जो हायर स्टडीज करने के बाद बच्चे बैंक की तैयारी ये सब करते हैं, उनमें ये सारी चीजें पढ़नी होती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने भी पढ़ी हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ आराम से। तो आप आराम से भरोसा करके सारी वीडियोस देखिए और आपका फायदा होता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि हम लगातार वीडियो डाल सकें। और आपको अगर इसके अलावा और वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप क्लिक करके सारी वीडियोस लाइन से देख सकते हैं। तो ये थी वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।